बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं बड़ी खबर की ओर, बात कर लेते हैं यहां पर। आज राज्यपाल गंगूबाई छगनभाई पटेल डिंडौरी के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं गरीब परिवार के घर पूजन करेंगे, राष्ट्रीय जीवाश्रम उद्यान का करेंगे निरीक्षण, तो वहीं दो दिवसीय दौरे पर गरीब परिवार के साथ वे भोजन भी करेंगे। बताते हैं आपको कि गंगूबाई छगनभाई पटेल आज से डिंडौरी के दौरे पर रहेंगे, राष्ट्रीय जीवाश्रम उद्यान का निरीक्षण करेंगे पटेल, तो वहीं दो दिन में अपने दौरे के दौरान गरीब परिवार के घर भोजन करेंगे मंगूबाई छगनभाई पटेल। राज्यपाल दो दिनी दौरे पर डिंडौरी जा रहे हैं, डिंडौरी में वे कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही यहां पर लोगों से भी संवाद करेंगे। इस दौरान कई नेताओं से भी मुलाकात होगी और साथ ही इन दो दिनों के दौरान वे गरीब परिवार के घर भोजन करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, राज्यपाल मंगूबाई छगनभाई पटेल आज से डिंडौरी के दौरे पर रहेंगे, दो दिन दौरा होगा ये, जहाँ पर वे राष्ट्रीय जीवाश्रम उद्यान कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही राष्ट्रीय जीवाश्रम उद्यान का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही यहाँ पर देखा है, दो दिन दौरे पर वे गरीब परिवार के घर भोजन करेंगे। तो राष्ट्रीय जीवाश्रम उद्यान का निरीक्षण करेंगे राज्यपाल मंगूबाई छगनभाई पटेल, साथ ही अपने दो दिन के दौरे पर वे गरीब परिवार के घर भोजन करेंगे। साथ ही यहाँ बताते हैं आपको कि डिंडौरी के दौरे पर इस वक्त राज्यपाल रहेंगे, तो राष्ट्रीय जीवाश्रम उद्यान का निरीक्षण करेंगे राज्यपाल मंगूबाई छगनभाई पटेल, साथ ही राज्यपाल अपने दो दिन दौरे के दौरान गरीब परिवार के घर भोजन करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर कृष्णा द्विवेदी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। कृष्णा जी, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि दो दिन दौरे पर डिंडौरी यहाँ पर राज्यपाल जा रहे हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए अनन्या, राज्यपाल छगनलाल मंगूबाई पटेल आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी वर्ग के बीच में हमेशा उन्होंने काम किया है और डिंडौरी आदिवासी बहुल इलाका है, जिला है, इसलिए इनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राज्यपाल मंगूबाई पटेल आज डिंडौरी दौरे पर पहुंचेंगे और सैपुरा में से राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो घुघुआ है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो जनजातीय कल्याण केंद्र बरगांव पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो चांडा जो वनग्राम है वो चांडा के लिए रवाना हो जाएंगे। एक दो दिन का उनका लगातार कार्यक्रम है जिसमें वो कई अलग अलग कामों को, अलग अलग गतिविधियों को काम को अंजाम देंगे और अलग अलग काम करेंगे। अनन्या जी, चलिए बहुत धन्यवाद कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल आपको बताते हैं यहाँ पर कि दो दिन दौरे पर डिंडौरी में रहेंगे राज्यपाल मंगूबाई छगनभाई पटेल और इस दौरान कई कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे, साथ ही राष्ट्रीय जीवाश्रम उद्यान का वे निरीक्षण भी करेंगे और इसके अलावा दो दिन के दौरे के दौरान वे गरीब परिवारों के घर भोजन करेंगे। आपको बता दें कि जब भी राज्यपाल किसी दौरे पर जाते हैं या फिर किसी भी जगह जाते हैं तो वहां पर गरीब परिवारों के साथ भोजन करते हैं उन्हीं के घर पर, और साथ ही यहां पर एकता का जो है संदेश भी देते हैं कि सभी जो है एक समान है। तो खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर डिंडौरी से, राज्यपाल मंगूबाई छगनभाई पटेल अपने दो दिन के दौरे पर डिंडौरी में रहेंगे, और इसी बीच एक और खबर कर लेते हैं यहाँ पर जो कि संध्या जुड़ी हुई है।